ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहले पढ़ा था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, आज इसके आगे देखिए, अपना सिलेबस निकालिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड को इम्पोर्टेंट लिख लो और लिखिए बोरिक एसिड। लिख रहे हो सभी? अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है। ठीक है, लिखो हेडिंग, लिखो बोरिक एसिड। लिखिए इसका केमिकल फॉर्मूला, लिखिए बोरिक एसिड का। H3BO3 लिख रहे हो सभी? आवाज आ रही है ना? यस सर। यस, लिखिए केमिकल फॉर्मूला H3BO3। ठीक है, आगे लिखिए इसका मोलिकुलर वेट बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट लिख ली, लिखिए 61.83। लिख लिया सबने मोलिकुलर वेट 61.83। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशांत, माइक ऑफ करिए, लिखिए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, लिखिए आप मोलिकुलर वेट 61.83 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलिकुलर वेट है। इसका सिनोनिम लिखिए, बोरिक एसिड का सिनोनिम लिखिए। सिनोनिम का मतलब होता है हम और इसको क्या बोल सकते हैं, तो बोरिक एसिड को और बोलते हैं हम बोरेसिक एसिड, BORACIC, बोरेसिक एसिड। ठीक है, आगे लिखिए स्टैंडर्ड, हेडिंग लिखिए आगे स्टैंडर्ड। बता दो, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, लिख रहे हो ना सभी? जी सर। आगे लिखिए हेडिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में लिखिए इट कंटेन्स, इट कंटेन्स नॉट लेस देन हेमंत सैनी। लिख रहे हो? यस सर। लिखो इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99.5% इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99.5% एंड नॉट मोर देन, एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ बोरिक एसिड। क्या करेंगे, जब हम इसका स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 99.5% से कम लेंगे, इससे कम ही लेंगे हम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे जब हम क्या बनाएंगे इसका स्टैंडर्ड बनाएंगे, और 100.5 से ज़्यादा नहीं लेंगे हम बोरिक एसिड, तब जाके इसका स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है, 100.5% ऑफ बोरिक एसिड विद रेफरेंस टू ड्राइड सब्सटेंस।